आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विद्युत कानून सड़क को विकास की परिभाषा बताया, तो साथ ही सूबे की सरकार में अपराध को ज्यादा बताते हुए महिलाओं को असुरक्षित बताया। इसी के साथ पीएम मोदी ने सरकार की तारीफों के पुल भी बांधे। भाइयों बहनों, इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहाँ के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं। कहीं इस आंधी में खुद ही कहीं उड़ ना जाए, बह ना जाए इस चिंता में और लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन ये आंधी उनको न टिकने देगी न बचने देगी। भाइयों बहनों, सीतापुर के हरदोई में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं तीन तलाक के मुद्दे पर भाजपा को जमकर कोसा। इसी के साथ राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने का आरोप भाजपा पर लगाया, तो साथ ही सपा और भाजपा को मिला हुआ भी बताया। श्री मुलायम सिंह यादव और श्री नरेंद्र मोदी एक ही स्टेज में बैठते हैं सिपाही में और हमको शामिल कर रहे हैं। सपा और बीजेपी का है खुला है, अंदर मखाने लिए खुला है। हरदोई के सवाईपुर विधानसभा में बसपा प्रत्याशी अनुपम देवे ने युवा सम्मेलन आयोजित किया, तो वहीं जनता से तमाम विकास के वायदे किए। इस दौरान जर्जर पड़ी बिजली, सड़क और पानी जैसी तमाम समस्याओं से जूझ रही जनता को विकास का भरोसा भी दिलाया गया। आप लोग हमारे समर्थन में मुझे अपना रूप मान लो और सारे लोग अनुपम दुबे बन जाओ और अनुपम दुबे के लिए अनुपम दुबे के नाम से आप अपने आप को अनुपम दुबे मानकर हमारे इस क्षेत्र में निकल जाइए। यदि आप लोगों ने हमारे भाग्य का निर्माण किया तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप लोगों के भाग्य का निर्माण करने में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं करेंगे। संबल कोतवाली क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने पीएनबी कैश वैन से 94 लाख रुपए कैश बरामद किया, तो वहीं डिप्टी मैनेजर इस कैश की कोई रिसिप्ट नहीं दिखा सके, जिस पर सीओ ने पड़ताल शुरू की है। हापुड़ में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर पशु व्यापारी से 86,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया, तो वहीं लूट के बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की है, तो वहीं आरोपी फरार हैं। बलिया के रसड़ा के चतबड़ा गांव में 10 वर्षीय बालक बाइक की चपेट में आ गया, जिसमें उसको गंभीर रूप से चोट लगी, तो वहीं उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही बाइक सवार फरार है। सपा के कद्दावर नेता राजा भैया ने कुंडा के बिहार में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं बसपा पर जमकर निशाना साधा। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे कर्मचारी करंट लगने से झुलस गया, तो वहीं इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन विभाग द्वारा अनदेखे किए गए हैं। अब घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। मोगा में देर रात लोगों में हड़कंप मच गया, तो वहीं भूकंप की अब्बा से लोगों की नींद उड़ गई ऐसे में देर रात लोग अपने बच्चों के साथ घबराए हुए बाहर निकले, तो साथ ही कई स्थानों पर ऐसे हालात देखने को मिले जहां लोग काफी घबराए हुए थे। ऐसे सर आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, लुधियाना से भी आ रहे हैं, कोटपुरा से भी आ रहे हैं, फरीदकोट से भी आ रहे हैं सर। तो कितनी देर तक कैसे बैठे रहोगे, लगता है कि कुछ ऐसा होगा? सर अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, कभी कैसे पता चलेगा, नेट पर तो आ नहीं रहा सर। 4:37 तक अभी डिक्लेयर हुआ है, कहते 4:37 पे आने वाला है। तो किसी धार्मिक स्थल से भी अनाउंसमेंट हुआ है? धार्मिक स्थल से गुरुद्वारा साहब से हुआ है अभी। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।